दिन पहले मैंने इनका एक इंटरव्यू किया था गीता जैन जी का, और ये माइग्रेंट के ट्रेन को लेकर के थोड़ी सी जो है इशू भी चल रही थी कि सिर्फ राजस्थान के लिए जा रही है ट्रेनें, यूपी के लिए नहीं जा रही है, बिहार के लिए नहीं जा रही है। तो इस पे हमने एक सवाल भी किया था, तो इन्होंने पिछले टाइम पे भी हमें बताया था कि देखिए कुछ परमिशंस का इशू है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, परमिशन जैसे ही मिलने लगेगा वैसे जो है ट्रेन चलनी शुरू हो जाएगी। और कहीं ना कहीं वो परमिशंस मिलना शुरू हो गया और ट्रेन जो है चलनी भी शुरू हो गई। अभी भी मैं इनके ऑफिस में आया हूँ, इनके बंगले पे आया हूँ, तो मैंने बाहर कुछ लोगों को देखा जो उनको कुछ जो है कुछ तो क्वायरी थी, किसी को फॉर्म जमा करना था, किसी को समझना था, तो इनके जो बाहर ऑफिस में बैठे जो लोग हैं उनको गाइड भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जैसल पार्क भेज भी रहे हैं। गीता मैम, आज जो है ट्रेन ऐसा सुना है हमने जौनपुर के लिए जानी है, कितने लोग जा रहे हैं और क्या मैसेज देंगे इससे संबंधित लोग? देखिए, अभी 1700 लोग के लिए कहा गया है, हालांकि हमारे पास लिस्ट उससे बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि कैपेसिटी सिर्फ 1700 की है इसलिए हमें 1700 का कहा गया है। हमने अपनी तरफ से सभी को इन्फॉर्म किया है, क्योंकि मुझे नहीं मालूम उसमें से कौन अब यहाँ प्रेजेंट है, कौन कल या परसों में निकल गया। तो हमने अपनी तरफ से जिन्होंने भी मेरे पास फॉर्म भरे थे उन सभी को इन्फॉर्म कर दिया है कि जौनपुर के लिए आज ट्रेन है। और बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि 3-4 दिनों से बिहार और यूपी की ट्रेनें लग रही है। सबसे पहले ये क्वेश्चन आया था कि क्यों इधर की ट्रेनें नहीं लगती है, लेकिन जैसे आपने अभी कहा परमिशन की प्रॉब्लम थी, तो राजस्थान की ट्रेन पहले लग गई थी और लगातार 2 ट्रेनें राजस्थान की लग गई थी, लेकिन अब रेगुलर में हर ट्रेन बारी बारी लगनी है। आप सभी को विश्वास दिलाती हूँ कि हमारी मेहनत हर एक जगह के लिए सेम रहती है, चाहे वो राजस्थान हो, यूपी हो, बिहार हो, वेस्ट बंगाल की अभी तक एक भी नहीं गई, हमारा प्रयत्न उसके लिए भी है। तो इस तरह का हमारा प्रयत्न में कहीं भी हम भेदभाव नहीं करते कि राजस्थान के लिए पहले कर दे या यूपी के लिए पहले कर दे, ये डिपेंड होता है कि हमें सामने वाले राज्य से परमिशन कब मिलती है ताकि हम ट्रेन उस समय लगा पाए। हालांकि अब बहुत रेगुलरली हो गया है और गोरखपुर एक गई है, मुंबई से भी काफ़ी सारी यूपी के लिए ट्रेन गई हैं, बिहार के लिए गई है, तो अब मुझे लगता है कि हमारे प्रवासी मजदूरों को थोड़ा सा एक अश्योरेंस जरूर मिला होगा कि हम अगर धैर्य से यहाँ रहते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ देख के पैदल या ट्रक में या ट्रेम्पो में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी आपके चैनल के माध्यम से हमारे सभी मजदूर भाइयों को कहना चाहूँगी कि पहले तो आप जाने का सोच क्यों रहे हैं, आपकी रोजी रोटी यहाँ है, आपकी कर्मभूमि यहाँ है, थोड़ी सी असहूलियत जो आपको हो रही है हम सब आपके लिए उसके लिए माफ़ी मांगते हैं, लेकिन आप प्लीज़ अपनी कर्म भूमि को छोड़ के ना जाए। लेकिन बहुत सारे मजदूरों के मन में ये आ गया है कि अब तो हमारे यहाँ हालात बहुत बिगड़ने वाले हैं, इसलिए हमें तो अपने अपने घर जाना है। ये जो मिसकंसेप्शन है हम चाह के भी नहीं निकाल पा रहे हैं। एक बहुत कॉमन मैं सेंटेंस जो सुन रही हूँ आफ्ताब भाई, वो ये कि अब मरना भी है तो हम घर वालों के साथ मरेंगे, ये एक कॉमन सेंटेंस हमारे सुनने में आया है। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ आप सभी को बहुत अच्छी लंबी आयु दे, स्वस्थ रहे, आप खुश रहे। अगर आपकी खुशी आपके वतन जाने में है तो खुशी खुशी जाइए, जितने दिन चाहते आप रह के वापस यहाँ आए, हमारे तरफ से आपके लिए हमेशा दरवाजे हृदय के और शहर के दोनों खुले हैं, और हमें अच्छा लगेगा कि आप बहुत जल्दी लौट के वापस आएंगे तो हमारा शहर भी हमें, क्योंकि अब हम आपको यूपी के नहीं समझते, अब हम आपको बिहार के नहीं समझते, अब हम आपको हमारे शहर के समझते हैं, हमारे परिवार के समझते हैं। तो जल्दी लौट के आइए, हमें आपका इंतज़ार रहेगा, पर अब आ रहे हैं तो खुशी खुशी जाइए, अपने घर वालों से मिलिए, अपने आप को स्वस्थ रखे वहां और सहूलियत से जाइए। थैंक यू सो मच। तो देखिए गीता जैन जी ने बड़ी अच्छी बात की कि आपकी कर्म भूमि यहाँ है, थोड़ी सी असहूलियत जरूर हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है यहाँ से छोड़ के चले जाएं। लेकिन अगर आप जा भी रहे हैं तो आप बिल्कुल जाइए, स्वस्थ रहिए। इस दौरान हमने भी सुना है कि इन्होंने बड़ा ख़ास पॉइंट बताया हमें कि लोग कहते हैं कि अब तो मरना भी है तो वहाँ मरना है, जीना भी है तो वहाँ मरना है। ऐसी बातों पे उन्होंने कहा कि नहीं, आपकी आयु लंबी हो, आप ऐसा ना सोचें, आप अपने परिवार में ज़रूर जाएं और परिवार से मिले भी, खुशियाँ भी बांटें और स्वस्थ हो करके आप ये इन्होंने एक और चीज़ कहा कि हम ये नहीं मानते कि अब आप यूपी के हैं, बिहार के हैं, आपकी कम भूमि यहाँ है, आप यहाँ रहते हैं, यहाँ आते हैं, तो हम खुले दिल से कहते हैं कि आप जो है बिल्कुल जाइए और स्वस्थ होकर के फिर से वापस आइए,
महाराष्ट्र के दरवाजे आपके लिए खुले हैं, हमारे दिल के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। तो दोस्तों एक शिकायत जरूर थी लोगों की कि जो ट्रेन कैसे जा रही है, लेकिन मैं देख रहा हूँ इन दिनों की यूपी के लिए भी ट्रेन जा रही है, बिहार के लिए भी ट्रेन जा रही है। और इन्होंने जैसा कहा कि भेदभाव जैसी बात नहीं है, लोग प्रयत्न करते हैं, ये शहर का नेतृत्व करती हैं तो प्रयास हर किसी के लिए करती है, किसी का नंबर पहले आ जाता है, किसी का नंबर बाद में आता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि भेदभाव है। तो इन्होंने बड़ा अच्छा मैसेज दिया है लोगों के लिए, हमारी भी आपके साथ शुभकामनाएँ हैं। आप अपने वतन जाइए, अपने शहर जाइए और स्वस्थ होकर के ये सब कुछ खत्म हो जाए, फिर से वापस आइए। थैंक यू सो मच।